दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया। जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण में दशहरा पर्व की धूम। आपको बता दें कि बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक का पर्व दशहरा जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण में हजारों लोगों की उपस्थिति में रावण के 35 फीट ऊंचे पुतले का दहन कर मनाया गया। वहीं पहली बार कुंभकर्ण और मेघनाथ के 26-26 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। इस बार रावण दहन के दौरान प्रशासनिक अमले की देखरेख चुस्त दुरुस्त रही। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आए रामलीला के पात्रों ने अपने अपने किरदार के अनुसार रामायण का पाठ किया और रावण दहन के पूर्व रामलीला मंडली ने भगवान श्री राम व रावण के संवाद के पश्चात 7:35 पर ऊंचे रावण पुतले का दहन किया गया। रावण दहन के साथ ही जमकर आतिशबाजी की गई। उसके बाद विजयी राम लक्ष्मण सीता व वानर सेना का राज्याभिषेक कर आरती उतार कर लोगों ने आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर विधायक दीपेश साहू, नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला मंगत साहू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा, पूर्व विधायक अवधेश चंदेल सहित जनप्रतिनिधियों व कलेक्टर पुलिस अधीक्षक सहित हजारों की संख्या में आमजन मौजूद रहे। साथ ही बता दें कि इस दौरान विधायक दीपेश साहू ने मौजूद नागरिकों को दशहरे पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की हमेशा जीत होती है। वनवास के दौरान श्री राम भगवान के मार्ग पर अनेक कठिनाई पैदा की गई, परंतु वे सत्य के वचन पर अड़िग रहकर एक आदर्श प्रस्तुत किया। पहले तो कलेक्टर साहब मुला थोड़ा असहज होते, ये नाम से हुआ थे कि अभी तक तो मैं केवल रावण नजदीक से मारे काम करत रहे हो, लेकिन विधायक बने के बाद मुला रावण से थोड़ा दूर कर दे ऐसे बोला लगा थे। मोर इच्छा हुआ था कि मैं एक बार फिर से वो नजदीक में जा करके रावण न मारा, ऐसे मुला इच्छा हुआ थी। आज इतना बढ़िया कार्यक्रम और विशाल संख्या में दूर दूर से आए हमार जब मो जन इतना बढ़िया अवसर आज प्रभु श्री रामचंद्र जी याद करेंगे। जैन बुराई में अच्छाई की जीत हम जम्मू चला दिले। और बुराई वो समय तो केवल हमारे बीच में केवल एक रावण राक्षस रूपी बुराई रही थी, लेकिन आज बुराई तो गई हो गए हमारे बीच में, हमारे समाज में कई बुराई है, घर परिवार के पीछे बुराई है, चाहे वो बुराई शराब लेकर के हो, सट्टा लेकर के, जुआ, चोरी, डकैती, मर्डर, बलात्कार, कई प्रकार के आज समाज में बुराई है। आज हम अल्लाह हो सकता है वास्तव में ऐसा जिन बुराई जिस समाज के लिए घातक है, समाज के लिए दूषित है, ऐसा बुराई हम अल्लाह समाप्त करे की आवश्यकता है। और रावण तो हम हर साल मारते, लेकिन एक बार हम ना जम्मू झन मिल करके अपन मन के अगर अहंकार रूपी अगर कोई रावण है वो लभी हमने मारे के प्रयास करो। यह निवेदन मैं आग्रह